इतना ज्यादा गुस्सा, इतने तीखे तेवर, आखिर किरोड़ी बाबा को इतना गुस्सा क्यों आता है? राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आखिर बार बार अपनी ही सरकार पर सवाल क्यों उठा देते हैं? कभी इस्तीफा देने की चेतावनी देते हैं तो कभी मनचाहा मंत्रालय ना मिलने का दर्द भी बाबा की जुबान पर आ ही जाता है। अब एक बार फिर से बाबा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक पत्र लिखा है जिसके जरिए उन्होंने आरोप लगाया है कि राजस्थान के राज्य भंडार निगम में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन आखिर किरोड़ी लाल मीणा की क्या नाराजगी है? राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बार बार क्यों अपनी ही सरकार पर उठा रहे हैं? आइए बताते हैं। इस बार बाबा ने जो एक चिट्ठी लिखी है उससे सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक जयपुर के गांधीनगर इलाके में पीपीपी मोड़ पर बन रही बिल्डिंग में 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। किरोड़ी लाल मीणा ने चिट्ठी लिखकर सीएम को फाइल वापस लेने की बात कही थी। बार बार चिट्ठी लिखने से कयास लगाए जा रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो नहीं ये कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने की बात कई बार कह चुके हैं। कई आम सभाओं में भी बाबा ये कहते रहे हैं कि अगर दौसा से कन्हैया लाल मीणा चुनाव हार गए तो वो मंत्री पद का त्याग कर देंगे। दौसा की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाने की मांग की थी। 20 मई को किरोड़ी बाबा ने एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अरबों रुपए के आरोप घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम से इसकी जांच और टेंडर को निरस्त करने की मांग कर दी है।